हाय दिस इज सौरभ, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के सारे प्रोजेक्ट्स की जो नोएडा में हैं। 3 प्रोजेक्ट्स नोएडा में हैं, 1 प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में है। उनके अंदर क्या अवेलेबिलिटी है, लोकेशन क्या थी, साइजेस क्या थे, पोजेशंस कब हो रहे हैं, प्राइसिंग क्या चल रहा है, फ्रेश में जो अवेलेबल हैं यूनिट्स, रीसेल के अंदर क्या प्राइसिंग चल रहा है, कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और एंड में बात करेंगे गोदरेज के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की जो नोएडा में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोदरेज वुड्स की। बहुत प्रोमिनेंट, बहुत फेमस प्रोजेक्ट रहा है गोदरेज का। नोएडा में सेक्टर 43 नोएडा में लोकेटेड है। स्टार्टिंग में अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर 2, 3, 4 और 5 बेडरूम के अपार्टमेंट्स थे। हाई राइज ये प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट के अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1050 स्क्वायर फीट और एक 1250 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 1550 स्क्वायर फीट, 2088 स्क्वायर फीट, फिर एक ऑलमोस्ट 2600 स्क्वायर फीट। 4 बेडरूम अपार्टमेंट में एक छोटे 4 बेडरूम का ऑप्शन था 2260 स्क्वायर फीट का, फिर एक 3100 और एक 3300 स्क्वायर फीट, और जो सबसे बड़ा फ्लैट है 5 बेडरूम वो ऑलमोस्ट 3700 स्क्वायर फीट। सो गोदरेज वुड्स डिवाइडेड था 3 फेजेस के अंदर। पहले और दूसरे फेज का पोजेशन इसी साल है, यानी कि 2023 में, नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। लास्ट फेज 3 का पोजेशन है 2025 में। कुछ साइजेस फेज 1 के पार्ट थे, कुछ फेज 2 के पार्ट थे, कुछ फेज 3 के पार्ट थे। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो फेज 1 और 2 के अंदर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। फेज 3 के अंदर 4 बेडरूम 3131 स्क्वायर फीट और 3300 स्क्वायर फीट, और 5 बेडरूम जो ऑलमोस्ट 3700 स्क्वायर फीट का था, उसके अंदर बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं फ्रेश में। अब अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो जो अवेलेबल यूनिट्स हैं गोदरेज में, तो रेट पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज़ के आसपास है। और ये प्राइस ऑल इंक्लूसिव है, यानी कि BSP, अदर चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, GST, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे रीसेल के अंदर, तो आप मान के चलें कि ऑलमोस्ट 14,500-15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रीसेल प्राइस चल रहा है गोदरेज वुड्स के अंदर। अब अगर आपका यूनिट है गोदरेज वुड्स में और आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से एटलीस्ट नीचे ना बेचें, उससे ऊपर ही बेचें। और जो लोग खरीदना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लोज टू पोजेशन वाली इन्वेंट्रीज रीसेल के अंदर, तो आप थोड़ा जल्दी एक्ट कर लें, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, पोजेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो जिसने फ्लैट खरीदा हुआ है उसको रजिस्ट्री भी करानी पड़ेगी, वो भी एक कॉस्ट ऐडअप हो जाएगी। फिर आप खरीदेंगे तो एक TM की कॉस्ट, यानी कि ट्रांसफ़र की कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। तो अननेसेसरी आप उसी फ्लैट के ऊपर 10%, 15% एडिशनल पे अप करेंगे। अब हम बात करते हैं गोदरेज के दूसरे प्रोजेक्ट गोदरेज पाम रिट्रीट की। सेक्टर 150 नोएडा में लोकेटेड है। बहुत फेमस, बहुत हिट प्रोजेक्ट रहा है ये। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2, 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। कुछ यूनिट्स 1 बेडरूम में भी थी, क्योंकि टावर के लॉबी की वजह से कुछ साइज़ कटता है, तो कुछ यूनिट्स 1 बेडरूम में भी निकाली थी। अब अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट 1050 स्क्वायर फीट, 2 बेडरूम में मेजरली यूनिट 1250 स्क्वायर फीट, कुछ बड़े फ्लैट्स थे 1900 स्क्वायर फीट तक भी 2 बेडरूम में, 3 बेडरूम अपार्टमेंट 1950 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, कुछ विद डेक थे यूनिट्स जो 3100-3200 स्क्वायर फीट तक थे, 4 बेडरूम अपार्टमेंट 3200 स्क्वायर फीट, उनके अंदर भी विद डेक यूनिट्स थे ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट के। अब ये प्रोजेक्ट 3 फेजेज में डिवाइडेड है। 2 फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं जो 100% सोल्ड आउट है, यानी कि एक सिंगल यूनिट भी अवेलेबल नहीं है किसी भी साइज़ में। और जो 3rd फेज, जो लास्ट फेज इस प्रोजेक्ट का आना है, वो भी रिसेंट टाइम्स में लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है, यानी इस क्वार्टर में तो वो नहीं लॉन्च होगा। लेकिन वो जब भी लॉन्च होगा भी ना, तो आप प्राइस पर स्क्वायर फीट मान के चलें कि अप्रॉक्सीमेटली 12-13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे लॉन्च नहीं होगा। सो पोजेशन गोदरेज पाम रिट्रीट का 2025 में है, जो फेजेस लॉन्च हो चुके हैं। और अवेलेबिलिटी का मैंने आपको बता ही दिया कि 0 अवेलेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे सो फ्रेश का तो कोई प्राइस ही नहीं है, क्योंकि कोई यूनिट्स ही नहीं है। अगर हम रीसेल के प्राइसिंग की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट पर स्क्वायर फीट रेट रीसेल के अंदर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव के आसपास चल रहा है। अब अगर आपका यूनिट है गोदरेज पाम रिट्रीट में और उसको आप रीसेल करना चाहते हैं इसी कंस्ट्रक्शन स्टेटस के अंदर, तो मेरे 2 सजेशंस हैं आपको। पहला ये कि आप अपना यूनिट एटलीस्ट 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे ना सेल करें, और दूसरा ये कि आप वेट कर लें इनके लास्ट फेज तक का ना। अगर जब इनका लास्ट फेज लॉन्च होगा, अगर आप उसी टाइम के दौरान अपना यूनिट रीसेल करेंगे तो आपको और बेटर प्राइस मिलेगा, क्योंकि नए फेस का प्राइस वो अगर 13,000 रुपये लाएंगे तो आपका फ्लैट ईजिली 11,500-12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में रीसेल उस टाइम हो जाएगा। अब अगर मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि वुड्स में आपका यूनिट है, पाम रिट्रीट में आपका यूनिट है, आप इस रेट से नीचे एटलीस्ट ना बेचें, आप उनके नेक्स्ट फेस का वेट कर लें, आपको और बेटर प्राइस मिलेगा। तो जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उनको तो ये अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन जिन लोगों को खरीदना है वो इस चीज़ से ज़रूर नाराज़ होंगे और वो कमेंट में ये डालेंगे कि आप अननेसेसरी प्राइस को हाइप अप कर रहे हो। तो मैं अननेसेसरी कोई हाइप अप नहीं कर रहा, बट जिसने जो चीज़ खरीदी हुई है मैं उसको उसकी सही वैल्यू जस्ट बता रहा हूँ कि आपका यूनिट इस रेट का एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट जो रेडी टू मूव इन है, जो नए लॉन्चेज हैं वो किस रेट में आ रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट किस डेवलपर का है, किस लोकेशन का है, किस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का है, आपको तो एटलीस्ट जिसने खरीदा हुआ है उसको तो उसका राइट वैल्यू, राइट प्राइसिंग पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं गोदरेज के थर्ड प्रोजेक्ट की, गोदरेज नेस्ट और गोदरेज नर्चर, जो एक ही प्रोजेक्ट है। बेसिकली दो फेजेज हैं। लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा, और इस प्रोजेक्ट में अगर हम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो इट्स अ हाई राइज प्रोजेक्ट जिसके अंदर 2 बेडरूम, 2+ स्टडी, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और कुछ ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेज भी हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं 1250 स्क्वायर फीट से, 1550 स्क्वायर फीट का 2+ स्टडी, 3 बेडरूम 1900 और 2000 स्क्वायर फीट के, 4 बेडरूम 2700 और 3000 स्क्वायर फीट के, और जो पेंट हाउसेज हैं वो मैक्सिमम जाते हैं 5000 स्क्वायर फीट तक। अब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी दो फेजेस में ही डिवाइडेड है, गोदरेज नेस्ट और गोदरेज नर्चर, दोनों में सेम साइज है, आइडेंटिकल प्रोजेक्ट हैं, बस थीम में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक प्रोजेक्ट के अंदर, नेस्ट के अंदर, जो थीम है क्लब हाउस वगैरह की एम्यूनिटीज 24/7 ओपन रहेंगी, और जो नर्चर है उसके जो ओवरऑल थीम है प्रोजेक्ट का वो थोड़ा किड सेंट्रिक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजरली इन्वेंट्रीज, मेजरली टावर्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं सेल के लिए, काफ़ी हद तक सोल्ड आउट भी हैं। अभी आपको बता देंगे कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है। कुछ टावर, मेरे ख्याल 2 टावर हैं गोदरेज नर्चर के अंदर जो अभी ओपन होने फॉर सेल अभी बाकी है। इस प्रोजेक्ट का पोजेशन आपको 2024 में मिल जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम फ्रेश में अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अंदर बहुत लिमिटेड 1 या 2 फ्लैट्स अवेलेबल हैं जिनका रेट पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़ है। पेंट हाउस के अंदर कुछ अवेलेबिलिटी है, रेट का आइडिया मैं दे देता हूँ। 5000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ का है। और अगर हम रीसेल की बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर तो रेट पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,000-10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जा रहा है। और जो ये रेट का डिफरेंस है वो वही ऑब्वियस रीज़न है कि छोटे फ्लैट्स का रेट कम है और बड़े फ्लैट्स का रीसेल के अंदर भी रेट्स ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं गोदरेज के फोर्थ प्रोजेक्ट की जो कि ग्रेटर नोएडा में है, गोदरेज गोल्फ लिंक्स। परी चौक से थोड़ा आगे पड़ता है ये प्रोजेक्ट। 100 एकड़ की बड़ी टाउनशिप है, गोल्फ सेंट्रिक। मेजरली इस प्रोजेक्ट के अंदर विलाज हैं, कुछ लो राइज अपार्टमेंट्स हैं, कुछ स्टूडियोज़ भी हैं। अब अगर हम गोदरेज गोल्फ लिंक्स के साइजेस की बात करेंगे तो विला स्टार्ट होते थे 100 स्क्वायर यार्ड से, मिक्स एंड मैच सारे साइजेस, मैक्सिम जाते थे 1000 गज तक, और लो राइज अपार्टमेंट्स 3 और 4 बेडरूम, 3 बेडरूम ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम ऑलमोस्ट 2300 स्क्वायर फीट, और जो स्टूडियोज़ थे वो बड़े स्टूडियोज़ थे फुली फर्निश्ड जिनका साइज ऑलमोस्ट 1400-1500 स्क्वायर फीट था। अब इस प्रोजेक्ट के इनिशियल फेजेस का पोजेशन तो इसी साल है यानी कि 2023 में, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, और पूरा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होना है 2025 में। ऑल्दो अभी एक ऐसा फेज भी है जो गोदरेज ने भी स्टार्ट ही नहीं किया है सेल करना। अब अगर इस प्रोजेक्ट में हम फ्रेश में अवेलेबिलिटी और उसके प्राइसिंग की बात करेंगे तो विला सेक्शन के अंदर सिर्फ सबसे बड़ा साइज अवेलेबल है यानी कि 1000 गज वाला, जिसका कार्ड प्राइस भी ऑलमोस्ट 25 CR है, और लो राइज अपार्टमेंट्स में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। स्टूडियो जो 1450 स्क्वायर फीट के है वो फुली फर्निश्ड ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास है। अब इस प्रोजेक्ट का रीसेल का आइडिया आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जिन लोगों ने यहाँ खरीदा हुआ है, जिन्होंने रीसेल रिसेंटली करी है या कर रहे हैं, वो अपने प्राइसिंग के बारे में थोड़ा आइडिया दें कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने रीसेल में रिसेंटली खरीदा है या वर्किंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा आइडिया दें। अच्छा, गोदरेज गोल्फ लिंक्स के अंदर अभी पोजेशन थोड़ा डिले हो रहा है, ओसी रिसीव नहीं हो रहा है, काफ़ी लोग जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर है एस के साथ, तो एस का कुछ लैंड ड्यूज़ का वहाँ पे अथॉरिटी का कुछ अभी ड्यूज़ है जो मैक्सिमम 2 या 3 महीने के अंदर शॉर्ट आउट होने वाला है। सो गोदरेज गोल्फ लिंक्स के इनिशियल फेजेस का पोजेशन भी और रजिस्ट्री भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अब लास्टली इस वीडियो में हम आपको गोदरेज के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में शॉर्ट ब्रीफ में बताते हैं। सेक्टर 146 नोएडा एक्सप्रेसवे, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, एडवन को क्रॉस करते हैं एक नया रेजिडेंशियल सेक्टर 146 अभी अथॉरिटी ने काटा है। उसके अंदर 2 लैंड पार्सल्स ऑलमोस्ट 12-13 एकड़ के गोदरेज ने ऑक्शन में खरीदे थे। सो उसके फर्स्ट फेज़ को वो स्टार्ट कर रहे हैं। रेरा अप्लाइड है, एक्सपेक्टेड है कि जून के 10 तारीख के आसपास रेरा रिसीव हो जाएगा। अच्छा लग्जूरियस थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा, उसकी जैसी डिटेल्स और आएंगी आपको आने वाले टाइम में बता देंगे। सो इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस ये था कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं गोदरेज के प्रोजेक्ट्स जो नोएडा में है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रेश में भी, रीसेल के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको भी एक करंट अपडेट मिल जाता है। सो आई होप इन दोनों कैटेगरी के लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत भी है मेरी, आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं हमें, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू इन दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उससे हमें बहुत बूस्टअप मिलता है। So that was it for today. We'll see you next time.